स्वागतम सुस्वागतम। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय जलगांव आपका हार्दिक स्वागत करता है। जन जागरण करने हेतु प्रस्तुत करते हैं एक लघु नाटिका, आधुनिक वाल्मीकि डाकू पंचम सिंह, प्रस्तुतकर्ता प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय जलगांव, लेखक ब्रह्मा कुमार सोमनाथ, दिग्दर्शक ब्रह्मा कुमार किशोर, आधुनिक वाल्मीकि डाकू पंचम सिंह। इस नाटिका में मुख्य भूमिका और कलाकारों का परिचय। डाकू पंचम सिंह ब्रह्मा कुमार किशोर, पंचम सिंह के पिताजी एवं न्यायाधीश ब्रह्मा कुमार मधुकर भाई, जय प्रकाश नारायण ब्रह्मा कुमार किशन भाई, वृत्त निवेदक ब्रह्मा कुमार सोमनाथ, सरकारी वकील एवं ब्रह्मा कुमारी बहन ब्रह्मा कुमारी नीता बहन, पंचम सिंह के वकील ब्रह्मा कुमारी भारती बहन, इंस्पेक्टर ब्रह्मा कुमार विजय, हवालदार ब्रह्मा कुमार योगीराज, जेलर ब्रह्मा कुमार विकास, बिल्ला ब्रह्मा कुमार वीरेंद्र, शेरा ब्रह्मा कुमार परेश, व्यापारी ब्रह्मा कुमार अविनाश भाई, ढीलू ब्रह्मा कुमार वीरेंद्र, घसेटू ब्रह्मा कुमार प्रफुल्ल, मास्टर जी ब्रह्मा कुमार संजय। तो आइए प्रस्तुत करते हैं लघु नाटिका आधुनिक वाल्मीकि डाकू पंचम सिंह। आज की मुख्य समाचार। खूंखार डाकू पंचम सिंह और उसके साथियों ने उधम और अत्याचार कर आज बहादुरपुर में 15 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। इन सभी निष्पाप लोगों को बड़ी क्रूरता से तथा निर्दयता से कत्ल किया गया। बेकसूर लोगों के परिवारों ने डाकू पंचम सिंह को पकड़ने के लिए सरकार को निवेदन दिया है। घटनास्थल पर हमारे संवाददाता ने बताया कि इस दर्दनाक हत्या को देखते हुए तथा पंचम सिंह के अत्याचारों को समाप्त करने के लिए सरकार ने पंचम सिंह को जिंदा तथा मुर्दा पाने के लिए 1.5 लाख रुपए का इनाम घोषित किया है और सरकार ने आह्वान किया है कि जनता ने किसी भी दबाव में ना आकर खुले दिल से पंचम सिंह की खबर सरकार को देनी है। खबर देने वालों के नाम गुप्त रखे जाएंगे। अब प्रस्तुत है खेल समाचार। बहनों और भाइयों, ये कहानी है एक साधारण इंसान पंचम की, जिसे हालात ने डाकू बनने पर मजबूर किया। तो आइए देखते हैं पंचम की जीवन कहानी। पिताजी, आज चुनाव के प्रचार की पूरी जिम्मेदारी पार्टी ने मुझे सौंपी है, इसलिए मुझे आज रात आने में थोड़ी देर होगी। बेटे पंचम जी, आप हमेशा राजनीतिक पार्टियों के प्रचार में जुटे रहते हो, लेकिन बेटा इन लोगों के साथ बड़ी सावधानी से काम करना। ओहो पिताजी, आप खामखा परेशान हो रहे हो। कौन हो आप लोग? अच्छा पंचम, आज तू प्रचार करने वाला है,
देखते हैं आज तू कैसा प्रचार करेगा। मारो पंचम, बेटे पंचम मेरे लाल, ये क्या हो गया? हाय भगवान, मेरे बेटे को क्या हो गया भगवान? पिताजी, मुझे उन कमीनों ने घायल कर दिया, लेकिन मैं मेरी पार्टी का प्रचार कभी नहीं छोड़ूंगा। बेटे पंचम, इस वक्त तुम्हें आराम की जरूरत है बेटा। पिताजी, अब मैं उन कमीनों को कभी नहीं छोड़ूंगा, एक एक को चून चून कर मारूंगा। इसके बाद पंचम सिंह मोहर सिंह नामक खूंखार डाकू की गिरोह में शामिल हो जाता है और आतंक फैलाना शुरू कर देता है। कई हत्याएं पुलिस दफ्तर में दिन प्रतिदिन दर्ज हो जाती है तथा उसका नाम एक खूंखार डाकू की लिस्ट में आ जाता है। गाजेडो, अरे दिलो क्या बोल रहा है यार तू? अरे गाजेडो वो अपने गांव का भला आदमी, वो पंचम। हाँ वो पंचांग, अरे वो खुखार डाकू बन गया वो। अरे वो पंचांग नहीं यार, पंचम। अच्छा वो, अरे नहीं रे बाबा, तू भी क्या यार। अरे वो पंचम दादा, पंचांग नहीं। अरे वाइट बोलता ना, तू समझता क्यों नहीं? अच्छा तू बोलेंगे वैसा आगे बोल। अरे आगे क्या बना? तंबाकू, तंबाकू। हाँ तंबाकू। अरे मैं घसेटा, ले घसेटू क्या मैं घसेटा घसेट। अरे अरे ये ढीलू घसेटू, अरे क्या चल रहा है ये? आओ चलो चलो भागो यहाँ से, चलो भागो। चल भागो भागने भागो 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 भागो। हमें क्या करना है? हाँ सरदार, आज हमारे लिए क्या हुक्म है? साथियों, आज हमें पांडुला बाजार लूटना है। पांडुला बाजार। सब लोग रुको,
सरदार, सरदार इस माल का क्या करेंगे? सरदार, हम इस माल से नई बंदूकें खरीदेंगे सरदार। अब हम इस धन से कालिका माता का बहुत बड़ा मंदिर बनाएंगे और बच्चों के लिए स्कूल निर्माण के कार्य में लगा देंगे। हाँ हाँ सरदार, ऐसा ही होगा। क्यों भाइयों, ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा। हाँ हाँ, कालिका माता की जय। आइए पंचम सिंह जी, आपका स्वागत है। देखिए मास्टर जी, आप हमारे गुरु हैं, आपकी हम बहुत इज्जत करते हैं। आप बच्चों को ऐसी शिक्षा दे कि कोई फेल नहीं होना चाहिए। हाँ हाँ पंचम जी, ठीक है, ऐसा ही होगा। पुलिस कर्मियों के साथ हुए हमले में पंचम सिंह के 25 साथियों को मौत के घाट उतार दिया जाता है। इस घटना से पंचम सिंह की क्रोधाग्नि ने उग्र रूप धारण किया। शोक संतप्त पंचम सिंह ने एक पूरे गांव को ही तहस नहस कर चला गया, जिसमें गांव के 80 लोगों की मौत हो गई और पंचम सिंह ने व्यापारी और अमीरों को लूटना शुरू कर दिया। क्या क्या है तेरे पास? निकाल निकाल क्या क्या है तेरे पास? निकाल क्या है तेरे पास? नहीं नहीं चाल निकाल। नहीं मुझे मारो मत। नहीं मार दो उसे। नहीं मुझे मारो मत। नहीं मारो। कालिका माते, आप मुझे दर्शन दो। माते दर्शन दो, माते दर्शन दो। जब तक मुझे आप दर्शन ना दे, तब तक मैं अन्न ग्रहण नहीं करूंगा। माते दर्शन दो। आज 3 दिन हुए लेकिन माता ने कोई दर्शन नहीं दिया। हे माते, मैं तुझे सर्वशक्तिमान समझता था। मैं सोच रहा था कि भगवान भक्तों को दर्शन देकर उनकी मनोकामनाएं पूरी करते हैं, लेकिन आपने इस सच्चे भक्त की पुकार अनसुनी कर दी। अतः पंचम सिंह जी ने मां के फोटो, ग्रंथ आदि सब पानी में फेंक दिए और साधुओं की हत्या करना शुरू कर दिया। अब तक पंचम सिंह के नाम 100 खून और 300 डाके पुलिस में दर्ज हुए। इस तरह 60 डाकुओं का बड़ा गिरोह उनके साथ था। बिल्ला। सरदार। गांव जाओ और समाचार ले आओ। जो आज्ञा सरदार।
नमस्कार श्रोताओं, आज हमारे स्टूडियो में गृह मंत्री जयप्रकाश नारायण जी पधारे हैं, उनका हम स्वागत करते हैं। नमस्कार जयप्रकाश जी। नमस्कार जयप्रकाश जी। चंबल की घाटी में जो खून खराबा हो रहा है उस बारे में आपका क्या संदेश है? मेरे डाकू बंधुओं, आपने अत्ते बेकसूर लोगों की जान ले रहे हैं। मैं आप सभी को यह निवेदन करता हूं कि आप अपने बदले की भावनाओं को छोड़ दें तथा हिंसा का मार्ग त्याग दें। आप सरकार के आगे आत्मसमर्पण कर दें। आप पे कोई मुकदमा नहीं चलाया जाएगा। मुझे विश्वास है कि आप सरकार के इस निवेदन को अवश्य स्वीकार करेंगे तथा शांति बनाए रखने में अपना योगदान देंगे। नमस्कार। नमस्कार। बोलो दिल्ला, क्या खबर है? सरदार, सरदार मैंने खबर लाई है। जयप्रकाश जी ने आज डाकुओं को आत्मसमर्पण करने का आह्वान किया है सरदार। हाँ बिल्ला, मुझे भी कई दिनों से लग रहा है कि इस मार्ग में कितने दिन तक यूं ही चलते रहेंगे। अंदर से एक प्रेरणा मिल रही है कि अब बदले की भावना को त्याग दे। अब जयप्रकाश जी ने आवाहन भी किया है तो क्यों ना हम आत्मसमर्पण करें। हाँ सरदार, हमें भी ऐसा ही लगता है सरदार, हमें भी ऐसा ही लगता है सरदार। हाँ हाँ सरदार, हाँ सरदार, हाँ सरदार, हमें मान्य है। जयप्रकाश जी के आवाहन से प्रेरित होकर और सरकार के मुकदमा न चलाए जाने की शर्त पर पंचम सिंह ने अपने साथियों के साथ आत्मसमर्पण करने का फैसला किया। आइए पंचम जी, आपका स्वागत है। हमारे आह्वान के अनुसार जो आत्मसमर्पण करने का कदम उठाया है वह सराहनीय नहीं बल्कि समुच्चय चंबल घाटी के शांति बनाए रखने में सहायक होगा। ऑर्डर ऑर्डर, मुकदमा शुरू किया जाए। मिलॉर्ड, जैसे कि पंचम सिंह पर 100 से ज्यादा खून तथा 300 डकैती के अपराध पुलिस थाने में दर्ज है, ऐसे खूंखार डाकू को यूं ही छोड़ देना खतरे से खाली नहीं है, इसलिए इसको फांसी की सजा देना ही उचित होगा। आई ऑब्जेक्ट मिलॉर्ड, पंचम सिंह ने सरकार की अपील पर ही आत्मसमर्पण किया था तथा उन पर मुकदमा नहीं चलाया जाएगा ऐसी भी शर्त सरकार ने मान्य की थी, किंतु उन पर मुकदमा चलाया गया। अतः डाकू ने जो सरकार पर विश्वास डाला है उसको नजरअंदाज करना उन पर अन्याय है, उन्हें कम से कम सजा दी जाए। मिलॉर्ड, मेरे काबिल दोस्त ये भूल गए हैं कि पंचम सिंह ने गुस्से में आकर एक ही साथ 100 बेकसूर लोगों को जला डाला था, इसलिए इस खूंखार डाकू को फांसी देना ही उन 100 निष्पाप लोगों को सच्ची श्रद्धांजलि रहेगी। अगर उन्हें छोड़ दिया जाए तो यह कानून का अपमान होगा और लोगों के दिल से न्याय संस्था पर का विश्वास उड़ जाएगा। पंचम सिंह, आप अपने सफाई के लिए कुछ कहना चाहते हैं? कैसी सफाई, किस बात की सफाई? यहाँ पर सफाई मांग रहे आपने पीठ में खंजीर डाला और सफाई मांग रहे हो आप? सरकार ने तो आत्मसमर्पित डाकुओं पर मुकदमा ही न चलाने का वचन दिया था और कैसी सफाई मांग रहे हो आप? अभी गलती से भी मुझे ना छोड़िए,
सजा देने के बाद मैं अच्छा इंसान तो बनूंगा ही नहीं। और हां, आपने मेरी प्रतिशोध की भावनाओं को और भड़का दिया है। सुनाइएगा अपना फैसला। तमाम हालातों को मद्देनजर रखते हुए ये अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि दफा 302 के तहत पंचम सिंह को फांसी की सजा दी जाए। जेल में रक्षाबंधन के दिन प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की बहनें आती है। आइए बहन जी। क्या हो हवलदार, सभी कैदियों को राखी बांधने के लिए लेकर आओ। ओम शांति। परम रक्षक, परम पिता, परमात्मा की संतान, आत्मिक भाइयों, आज हम आपको रक्षाबंधन के पावन पर्व पर रक्षाबंधन का सच्चा आध्यात्मिक रहस्य सुनाएंगे। भारत एक प्राचीन खंड है जिसमें प्राचीन काल से अनेक त्योहार मनाए जाते हैं। कभी शिव के अवतरण पर शिवरात्रि, कृष्ण के जन्म पर जन्माष्टमी, रामनवमी, रावण के संहार निमित्त दशहरा, होली, दिवाली, ईद, क्रिसमस, मुहर्रम आदि आदि। लेकिन रक्षाबंधन एक पवित्र और अलौकिक त्योहार है। बहुत से लोगों के मन में आता है कि राखी शब्द तो अच्छा लगता है, लेकिन बंधन शब्द क्यों जोड़ा गया है, जबकि बंधन तो मानव स्वभाव को अच्छा नहीं लगता। संसार में न जाने कितने प्रकार के बंधन हैं, जिसका ग्रंथ बन सकता है। बंधन तो दुख का प्रतीक है और संसार का कोई भी प्राणी बंधन में बांधना नहीं चाहता। भला वह सोने की जंजीरी क्यों न हो, परंतु यह राखी का बंधन ऐसा अनोखा है जिसमें हर एक भाई बंधन में बंधने के लिए उत्सुक होता है, भला वह चाहे देश में हो या विदेश में। राखी दाएं हाथे हाथ पर बांधी जाती है, यह शक्ति का प्रतीक है। राखी के पहले मस्तक पर जो तिलक लगाने की रस्म है वह आत्मिक स्मृति का प्रतीक है। मुख मीठा करना यह सदा मधुर बोलने का प्रतीक है। तो मेरे आत्मिक भाइयों, हम सभी के परम रक्षक, परम पिता, परमात्मा हम सभी मनुष्य आत्माओं को इस रक्षाबंधन के साथ साथ आत्मिक रक्षा के लिए तथा मानव सुरक्षा के लिए आध्यात्मिक ज्ञान तथा मानव चरित्र निर्माण के लिए सहज राजयोग का ईश्वरीय ज्ञान देकर मानव जीवन के लिए सही दिशा निर्देश दे रहे हैं। जैसे आज मानव सुरक्षा के लिए सुरक्षा दल बनाए गए, लेकिन और इन सुरक्षा दलों के बने अस्त्र शस्त्रों में मानव सुरक्षा के बजाय मानव मन को हत्या तथा बदले की भावना से प्रेरित कर दिया। अपने हाथों में सुरक्षा के शस्त्र उठाए क्रोध या आवेश में आकर इस संसार में हत्याकांड जैसे प्रकार को संचार रूप दे दिया, तो क्या मानव मानव की सुरक्षा इन अस्त्र शस्त्रों से कर सकता है? अगर इस संसार में सभी सुरक्षित तथा निर्भय बनना चाहते हैं, तो अपने अंतर मन की आवाज और मानवता की पुकार को सुनना जरूरी है। लेकिन सत्य तो यह है कि व्यक्ति पहले खुद की अर्थात आत्मा की मनोविकारों से रक्षा करे, आत्मनिर्भर बने, स्वयं की रक्षा के लिए साथ साथ संसार की सुरक्षा करना सहज हो जाता है। लेकिन व्यक्ति आज अपने आप में सुरक्षितता का अनुभव नहीं करता। आत्मिक रक्षा अर्थात स्वयं की इन विकारों से रक्षा करना ही सच्चा रक्षा है। ऐसे सुरक्षा के अस्त्र शस्त्र क्या काम के जो व्यक्ति को रक्षक के बजाय खूनी हत्यारा डाकू की सीमा तक पहुंचा देते हैं। बदले की भावना से अपने आप को बदलने के बजाय व्यक्ति संसार में असुरी प्रवृत्ति का बन जाता है और गुनाह तथा
दंड का भागी बन जाता है। लेकिन ये सभी कुविचार, कुकर्म, पाप हत्या, ये मानव जीवन की वास्तविकता नहीं है। इसके लिए परमपिता परमात्मा, प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा इन पर विजय तथा इनसे छुटकारा पाने के लिए राजयोग सिखा रहे हैं। राजयोग अर्थात मन बुद्धि से परमपिता परमात्मा को याद करना। राजयोग से जो शक्तियाँ प्राप्त होती है उससे इन विकारों पर जीत पा सकते हैं। तो आइए हम सभी इस पावन पर्व पर आत्मरक्षा के साथ साथ विश्व सुरक्षा के लिए परमपिता परमात्मा से आत्मविश्वास के साथ साथ दृढ़ प्रतिज्ञा करें कि इन क्रोध रूपी ज्वाला को, मानव को खूंखार तथा असुर बना देती है। इन प्रवृत्तियों को इस रक्षा बंधन के पर्व पर हम अपने विकार तथा अस्त्र सहित परमपिता परमात्मा को समर्पित हो जाए। ऐसे त्यागी बन अपने आप में योग्य बन के संसार की सुरक्षा के लिए परम रक्षक के साथ मन बुद्धि को समर्पित कर लक्ष्य निहित जीवन जीना सीखे। ओम शांति। सुनते सुनते पंचम सिंह जी के आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह ब्रह्मा कुमारी बहनों के चरणों में गिर जाता है। बहन जी मुझे माफ कर दो। मैंने बहुत पाप कर्म किए हैं। मैंने ही बेकसूर लोगों की जाने ली है। क्या भगवान मुझे माफ करेगा? हाँ हाँ, क्यों नहीं माफ करेगा। उसकी शरण में आने से सब पाप कर्म दग्ध हो जाते हैं। ओम शांति। फांसी के तख्ते पर लाया जाता है। पंचम सिंह जी, आपकी कोई अंतिम इच्छा है? कैसी अंतिम इच्छा पूछ रहे हो आप? आ गए सब मेरी मौत का तमाशा देखने। जैसे सर्कस का खेल लगा हुआ है। मैं उस ऊपर वाले से एहसान मांगता हूं कि मरने से पहले मुझे जीना सिखा दिया। वो ऊपर वाला सोचता होगा कि मैंने बहुत बड़ी चीज बनाई है। वो है इंसान। इंसान बनाया मैंने इंसान। हे भगवान परमपिता, हे परमपिता शिव बाबा, आपने मुझे अपना बनाकर मरने से पहले जीना सिखाया। और माफ करना इस सरकार को जो अपना वचन देकर भूल गई और मुझे अपने नेक इंसान बनने की आशा है लेकिन मौत के घाट पर उतार दिया। माफ करना इस सरकार को, माफ कर देना। ठहरो, यह रहा राष्ट्रपति जी का फैसला। पंचम सिंह की फांसी की सजा को 10 साल की सक्षम कारावास में परिवर्तन किया गया है। जय प्रकाश जी, आप धन्य हो जय प्रकाश जी, आप धन्य हो। नहीं नहीं पंचम, ये तो ऊपर वाले का कमाल है। हाँ, उस परमात्मा ने मुझे अपना बना लिया, मुझे अपना बना लिया। अब पंचम सिंह
अपने जीवन के 10 साल सक्षम कारावास में बिताते हैं। जेल से छूटने के बाद प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में जाकर राजयोग की शिक्षा लेते हैं और अब वह डाकू पंचम सिंह की जगह वह राजयोगी पंचम सिंह बन जाते हैं। वह ब्रह्म मुहूर्त को उठकर योगाभ्यास करते हैं। मेरे जीवन ने सही मार्ग को छोड़कर और गलत मार्ग पकड़कर ये 14 वर्ष चंबल घाटी में विख्यात डाकू बना, भारत विख्यात डाकू बना। मुझे मारने पकड़ने के लिए सरकार ने आज से 45 वर्ष पहले 1 करोड़ का इनाम भी रखा था। हमारे गिरोह में 550 डाकू थे। मध्य प्रदेश में छोटा सा गांव था सिंहपुरा, भिंड जिला में आता है मध्य प्रदेश में, वहाँ हमारा जन्म हुआ। छत्रीकुल में मैंने जन्म लिया। जमींदार घराना था, 4 क्लास पढ़ाई की और 14 वर्ष की उम्र में मेरी शादी हो गई थी। 1958 में मेरे गांव में पंचायती चुनाव हुआ। चुनाव के कारण मेरे गांव में 2 पार्टी हो गई। एक दिन दूसरी पार्टी ने मुझे इतना मारा पीटा कि जीने की आशा न रही। बाद में पिताजी आए, बैलगाड़ी में रखकर मुझे थाने में ले गए। 20 दिन अस्पताल में रहे, ठीक हो गए। अपने गांव में आए तो दोबारा लोग मुझे परेशान करने लगे। तो बदले की भावना को लेकर चंबल घाटी में हम डाकुओं से मिले। डाकुओं ने 12 लोग मेरे साथ में कर दिया। हम 12 लोगों को लेकर अपने गांव में गए, गोली से 6 लोगों को गोली से मार दिया और डाकू बन गए। तो डाकू बन गए तो पकड़ डकैती हमारा धंधा बन गया। जो 25 जिला में हम लोगों का अनुशासन चलता था, 25 जिला में जितने वाहन है मेरे ऑर्डर से चलते थे, रेल भी ऑर्डर देके निकलती थी, सरकार भी हम ही बनाते थे, जिसका सपोर्ट करते थे उसकी सरकार बनती थी। हमारा 1 करोड़ का जो परिवार था, जो आदिवासी जंगलों में रहते 25 जिला में, उनके लोगों की शादी करना, उनको उनके खाने पीने की व्यवस्था करना हम लोगों का काम था। कई मंदिर बनाए, स्कूल भी खोला मैंने। डाकू जीवन में एक स्कूल खोला था जिसमें 17 मास्टर रखे थे, 500 लड़का पढ़ते थे। भारत देश में सबसे बड़े में स्कूल का रिकॉर्ड रहा कि 5 वर्ष के अंदर एक भी लड़का फेल नहीं हुआ।
मेरे स्कूल का नियम था कि अगर समय पर टीचर नहीं आया तो 24 घंटा बंद, लड़का भी समय पर नहीं आया तो वो भी 24 घंटा बंद। बिना अनुशासन के राज नहीं चलता है। तो इस प्रकार हमारा 14 वर्ष डाकू जीवन रहा। मतलब तरी की तरह हम लोग जंगलों में रहते थे, सभी के पास 3 NR 3 SLR बंदूक थी। कभी कभी हमारी हेलीकॉप्टर के द्वारा बांग्लादेश से हम लोगों को हथियार आते थे। सैकड़ों बार पुलिस से गोली चली। हम लोग जंगलों में अपना भोजन बनाते थे, पत्थर के चूल्हे बनते थे। अधिकतर मेरे ग्रुप में मालपुआ ज्यादा बनते थे, जिसमें अंतरी संतरी मंत्री सभी आकर के भोजन करते थे। 1500 लोगों का डेली भोजन बनता था और शेर वगैरह भी बगल में बैठे रहते थे। कभी भी किसी डाकू को शेर ने नहीं सताया, ना हम लोग जानवरों को मारते थे। ये सोचते थे ये भी हमारे शेर के राजा हैं, हम भी जंगल के शेर के राजा हैं। तो आपस में दोस्ती थी, एक दूसरे को कोई नहीं सताता था। डाकू जीवन में मैंने देखा पहाड़ों पर एक मनियारा सांप होता है, उसके पास बहुत मणि होती है, बहुत दूर तक उजेला देती है, लेकिन कोई मणि को लेना चाहे तो नहीं ले सकता। तो कई चीजें हमने जंगलों में देखी आंखों से। और डाकू लोग जो होते हैं वो देवी माँ के बहुत बड़े पुजारी होते हैं। मेरा भी पूजन का नियम था, 1 किलो घी का हवन करना, 2000 गायत्री मंत्र का जाप करना, अंगड़ी काट के खून चढ़ाना, कई मंदिर बनवाए, अपने गांव में भी अखंड जोत जलवाते थे और ये उद्देश्य करते थे। हे माँ, डाकू तो बना लेकिन डाकू भी नंबर वन का बन। चंबल घाटी की सत्ता मेरे हाथ में है, सारे भारत की भी सत्ता मेरे हाथ में होना चाहिए। एक दिन मन में आया कि दुर्गा माँ की पूजा करते करते कई वर्ष हो गए, हजारों मन घी का हवन किया, दुर्गा माँ को मैंने आंखों से तो नहीं देखा। एक बार चंबल घाटी में एक गुफा में बैठ करके मैंने 3 रातें और 2 दिन दुर्गा माँ की आराधना की। जब 3 रातें 2 दिन हो गई, मैंने पानी तक नहीं पिया, न मेरे सामने कोई आया, तो मैं रोने लगा, हे माँ मुझे दर्शन दो, अगर दर्शन देने में असमर्थ हो इससे सिद्ध होता है कि कोई भगवान भगवती नहीं। बाद में मुझे क्रोध आया, क्योंकि उस समय का तो जीवन ही अलग था। मेरे नाम से बच्चा रोना बंद हो जाते थे, कुत्ता भूसना बंद हो जाता था, उस समय बड़ी गाड़ी थी। जब 3 रातों 2 दिन में मेरे सामने कोई नहीं आया, तो बाद में मुझे क्रोध आया कि जो हमारे पास मूर्ति थी वे तो पूरी मैंने पत्थर से, और यही संकल्प लिया था कि चंबल घाटी में जितने मंदिर हैं मस्जिद उनको सबको तोड़ूंगा, साधु संतों को मारूंगा, भगवान भगवती का नाम नहीं लेना बंद कर दूंगा। उस दिन के 11-12 बज रहे हुए 12-1, तो बंदूक लेकर के हम जब पहाड़ी पे आए तो मेरे सामने एक सफेद वस्त्रधारी प्रकट हुआ, सफेद धोती सफेद कुर्ता प्रकाशक घूम रहा था। जब मैंने उस सफेद वस्त्रधारी को देखा तो रोंगटे खड़े हो गए। जैसे मैं चरणों के लिए दौड़ा, उस समय आवाज हुआ था कि बच्ची तुम दूर डरो, थोड़े दिन के बाद तुम्हारे पास चेतन देवियां आएंगी, बोले जाएंगी, भगवान से मिलाएंगी। मेरी समझ में कुछ नहीं आया, आशा को लेकर अपने गृह में आए। थोड़े दिन के बाद लोग नायक जयप्रकाश नारायण सर्वोदय के कार्यकर्ता हम लोगों के पास में आए। उन्होंने कहा कि आप लोग समर्पण कर दो, सरकार आपकी मदद करेगी। हम 550 डाकू ने चंबल घाटी में एक मीटिंग की थी, उसमें प्रस्ताव रखा था कि प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी हमारी 8 शर्तों को मंजूर करेगी, हम लोग समर्पण कर देंगे। जिसमें पहली शर्त थी किसी डाकू फांसी न हो, खुली जेल में रखा जाए, बी क्लास का खाना दिया जाए, 3वीं का जमीन दी जाए, बच्चों के लिए पढ़ाई लिखाई नौकरी दी जाए। 3 शर्तों के आधार पर हम 550, इंदिरा गांधी ने मेरी सभी शर्तों को मंजूर कर लिया। इन शर्तों के आधार पर हम 550 डाकू ने सन 1972 में समर्पण किया था। उस समर्पण की आवाज भारत में क्या सारे विश्व में गूंजी थी। समर्पण के बाद फिर हमारे ऊपर मुकदमा चले, जो मेरे ऊपर 100 मर्डर के आरोप थे, 200 पकड़ डकैती के आरोप थे, मुझे फांसी की सजा हुई। लोक नायक जयप्रकाश नारायण ने अपील की, राष्ट्रपति ने फांसी की सजा को भी आजीवन कारावास में परिवर्तन कर दी। इसके बाद खुली जेल मुंगावली मध्य प्रदेश में मुझे रखा गया। वहाँ पर ही प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की बहन भाइयों को बुलाया और
कहा कि आपके विद्यालय को मैं जरूर मानूंगा और मेरे डाकुओं को जीवन परिवर्तन करके दिखाओ। तो वहाँ पर सरकार ने ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय के लिए रहने के लिए खाने पीने की सारी व्यवस्था की थी। 3 वर्ष तक खुली जेल में ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय की बहन भाई रहे। वही हमने जब ब्रह्मा बाबा का चित्र देखा प्रदर्शनी में, तब मैंने पूछा था कि ये सफेद वस्त्रधारी कौन है। इस व्यक्ति ने मुझे जंगल में दिन के 12 बजे दर्शन दिए थे। तब बहन भाइयों ने बताया था ये ब्रह्मा है, इनका तन का आधार लेकर परमात्मा सारे विश्व में गीता ज्ञान दे रहे हैं। तब मैंने पूछा था ब्रह्मा तो है, इनका कहीं हमारे वेद शास्त्रों में लेख है। तब बहन भाइयों ने बताया था ब्रह्मा का लेख श्रीमद् भागवत गीता में लिखा हुआ है। 3 अध्याय में प्रजापिता ब्रह्मा ने कल्प के आदि में यज्ञ प्रजा को रच कर कहा तुम वृद्धि को पाओगे। आज ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय की कितनी वृद्धि हुई है, यह गीता का ज्ञान। वही हमको राज्यों की शिक्षा दी गई। इस राज्यों के द्वारा सब 550 डाकुओं के विचार बदल गए और सरकार ने हम लोगों को 8 वर्ष में ही छोड़ दिया था। इतना बड़ा कार्य ये ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय ने करके दिखाया है, इतना बड़ा कार्य किसी ने नहीं किया है। क्योंकि डाकू समस्या हल करने के लिए सरकार ने करोड़ों रुपया खर्च किया होगा, लेकिन डाकू समस्या हल नहीं कर पाई। लेकिन प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय की बहन भाइयों ने डाकू समस्या चंबल घाटी की हल कर दी है और डाकुओं के विचारों को परिवर्तन करके आप सब लोगों को के सामने लाया है। तो इसके बाद सन्यासी ने हमको छोड़ दिया। छोड़ने के बाद बहने मुझे मोन्टा भी ले गई। तो वहां भी एक दिन मेरे प्रकाश मां का साक्षात्कार हुआ। उससे मुझे निश्चय हुआ अपने गांव आए, 3 मंजिल का मकान बना के विद्यालय को दान पत्र कर दिया है। हमारी लड़की भी इस विद्यालय में समर्पित है। इस विद्यालय के सदस्य के होने के नाते करीबन हम 18 प्रांतों में कोने कोने में गए हैं और रोज हमारे पब्लिक प्रोग्राम होते हैं और सभी करोड़ों लोगों की दुआएं मिल रही है। यही हमारे लाने सबसे बड़ा आशीर्वाद है।